डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। टुडे वी विल सी द टाइप्स ऑफ लाइंस। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल लुक द डिफरेंट टाइप्स दैट आर जनरली यूज्ड इन ड्राइंग। तो आ जाते हैं एक एक टाइप की तरफ और हर एक को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो कंटिन्यूस थिक लाइंस कौन सी लाइंस होती है? ये वो लाइन है कि हमारे पास ये थिक होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंटिन्यूस थिक लाइन है। कंटिन्यूस थिक लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। मतलब ये है कि ये इस तरह की लाइंस नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिंग बीच में से नहीं आ रही है और थिक लाइन्स है। तो इन लाइन्स को कंटिन्यूस थिक लाइन्स बोलते हैं। इन कंटिन्यूस थिक लाइन्स में फिर हमारे पास टाइप्स आ जाती है आउट लाइन्स की, मार्जिन लाइन्स की, और ये जो है कंटिन्यूस थिक लाइंस कहलाती है। तो इसमें दो टाइप्स है, एक है मार्जिन लाइन और दूसरी लाइन जो है, एक को मैं लिख लेता हूँ मार्जिन लाइंस और दूसरी जो लाइन है ये है आउट लाइन। तो जिस तरह आपको पता है कि मार्जिन लाइंस वो लाइंस होती है जिसके अलॉन्ग हम किसी भी शीट को ट्रिम करते हैं, तो उन लाइंस को मार्जिन लाइंस कहा जाता है। और आउट लाइंस वो लाइंस कहलाती है जो कोई ड्राइंग हम फॉर एग्जांपल ड्रा करते हैं। ये मैं इधर ले लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रा कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल गाड़ी की मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पे, ये एक गाड़ी मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रा करती है इस ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री लाइन्स है, इस लाइन्स को हम कहते हैं, इन लाइन्स को हम कहते हैं आउट लाइन्स। तो ये हमारे पास आ जाती है आउट लाइन्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस थिक चेन लाइंस हैं। तो ये कंटिन्यूस थिक चेन लाइंस आउट लाइंस कहलाती है यहाँ पे। फिर आ जाता हूँ मार्जिन लाइंस को। तो आपको पता है पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो लाइंस जिसके थ्रू हम शीट को ट्रिम करते हैं, तो उन लाइंस को मार्जिन लाइंस कहते हैं। तो वो भी कंटिन्यूस थिक चेन थिक लाइंस कहलाती है। दूसरी तरफ पे है कि कंटिन्यूस थिन लाइंस, वो लाइंस जो थिन होती हैं लेकिन कंटिन्यूस है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लाइन लगा ली है जो कि बिल्कुल थिन है, ए से बी तक, ठीक है जी। तो ये लाइन आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस थिन है। तो इसके अंदर फिर और लाइंस हमारे पास आ जाती हैं, डायमेंशन लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइंस है, या कंस्ट्रक्शन लाइन है, या हेजिंग सेक्शन लाइन है, या इसके अलावा आ जाता है लीडर लाइन आ जाता है। तो इन लाइंस को हम इसमें लेके आते हैं कंटिन्यूस थिन लाइंस में। अभी दोबारा इसी को ले लेते हैं कि के डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक गाड़ी है, इसी को दोबारा मैं कंसीडर कर लेता हूँ। फर्स्ट हमने इसके लिए आउट लाइंस ड्रा की थी, अभी मैं देखता हूँ कि ये जो इसका जो अपर पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, इस लाइन को कहते हैं डायमेंशन लाइन। इसके इस साइड पे भी एरो है, इस साइड भी एरो है, तो ये हमें शो करता है कि इसकी डायमेंशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये 3 feet है फॉर एग्जांपल, तो ये आपको शो करता है, ये लाइन डायमेंशन लाइन कहलाता है, इसको हम डायमेंशन लाइंस बोलते हैं। और ये थिन कंटिन्यूस लाइन होती है। दूसरी तरफ पे हमारे पास इसी थिन कंटिन्यूस लाइन में आ जाती है एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन। एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन का मतलब ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखें यहाँ पे, यानी इसका ये जो पार्ट है ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से जो शुरू है इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं और एक लाइन यहाँ पे। तो ये दो किस्म की थिन लाइंस, ये और ये दोनों लाइंस थिन लाइंस कहलाती हैं, और इन लाइंस को हम कहते हैं प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन लाइंस। मतलब ये है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ये पार्ट शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। तो ये हम किसी भी डायमेंशन लाइन के साथ इसको ड्रा करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसी थिन लाइंस में, कंटिन्यूस थिन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइंस की तरफ। कंस्ट्रक्शन लाइन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग में जा रहा हूँ और इसी पे मैंने करना है एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट। तो जब ट्रायंगल को मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा तो इस बी और ए के अलॉन्ग जब मैं कंपस रखूँगा, फॉर एग्जांपल ये इसी को मैं ले लेता हूँ कंपस, और इसको मैंने करना है यहाँ पे रख लिया है, और एक आर्क यहाँ पे लगा लिया है और दूसरा आर्क यहाँ पे। तो ये जो आर्क आप देख रहे हैं ये
ये आर्क नंबर वन और ये आर्क नंबर टू, ये असल में कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं। इन आर्क्स को आप देखें, अभी इस कंस्ट्रक्शन लाइन से मैं एक लाइन इधर लगा रहा हूँ और एक लाइन इधर लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ट्राइंगल बन गए। तो वो लाइंस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो लाइंस लगाई जाती हैं, तो उनको हम कंस्ट्रक्शन लाइंस बोलते हैं। और ये जनरली ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उनके लिए ये लाइंस लगाई जाती है। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस लगा ली है। दूसरी तरफ पे हैचिंग और सेक्शन लाइंस आ जाती हैं कि हैचिंग या सेक्शन लाइंस क्या है। तो हैचिंग लाइंस या सेक्शन लाइंस, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोमिनेंट करना है, एविडेंट करना है, तो इसके लिए मैं इसके अंदर 45 डिग्री पे, आपने याद रखना है 45 डिग्री पे लाइंस लगा रहा हूँ जो कि थिन लाइंस हैं, और इस ऑब्जेक्ट को मैं एविडेंट कर रहा हूँ, तो ये लाइंस कहलाती है हैचिंग या सेक्शन लाइंस। हैचिंग या सेक्शन लाइंस, तो ये टू किस्म की मतलब ये तीन लाइंस होती हैं जो 45 डिग्री पे हम इसको ड्रा करते हैं, और इसके बीच जो स्पेसिंग है, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी आप देख ले तो स्पेसिंग है 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर पे। अच्छा जी, और आगे चलते हैं इसी कंटिन्यूस थिन लाइन में, इसी कंटिन्यूस थिन लाइंस में एक और को डिस्कस कर लेते हैं, उसको कहते हैं लीडर लाइन। तो वो लाइन, फॉर एग्जांपल मैं इसी को दोबारा एक ऑब्जेक्ट को ड्रा कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, इसके इस फीचर को मैं इसके नोट के साथ मिलाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नोट, इसके साथ मैं कुछ लिख लेता हूँ कि ये एक सर्कल है या जो भी है, मैं इधर लिख लेता हूँ सर्कल, ये एक नोट है और ये एक फीचर है, मतलब ये सर्कल है या कुआं है, जो भी है, वेल है। इस फीचर यानी इस नोट और इस फीचर को जो मिलाने वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन को हम कहते हैं लीडर लाइन। तो ये लीडर लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है जो कि नोट और फीचर को मिलाती है। आप इसको ये भी कह सकते, इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ये इस तरह डार्क करके एक पॉइंट लगा ले, तो ये हमारे पास है लीडर लाइन। इसके बाद आ जाता है बॉर्डर लाइन, जिस तरह आपको पता है कि वो लाइन जब हम किसी ड्राइंग के पर्पस के लिए ड्रा करते हैं इसके बॉर्डर्स पे, तो वो बॉर्डर लाइन, फॉर एग्जाम्पल हम इधर ड्राइंग ड्रा कर रहे हैं तो इसके इर्द-गिर्द जो लाइंस ड्रा की जाती हैं तो ये बॉर्डर लाइंस कहलाती हैं। तो ये भी कंटिन्यूअस थिन लाइंस होती हैं। अभी आ जाता हूँ शॉर्ट ब्रेक लाइंस की तरफ। तो शॉर्ट ब्रेक लाइंस और लॉन्ग ब्रेक लाइंस कंटिन्यूअस थिन ज़िगज़ैग लाइंस हैं। इसमें दो हैं हमारे पास, एक है कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइंस, तो इसमें शॉर्ट ब्रेक आ जाता है, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड्स। तो आप देख रहे यहाँ पे ये एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस थिन लाइंस हैं, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइंस, ये आप देख इस तरह। ये लाइंस जो यूज होती हैं ज्यादातर किसी भी एरिया को डिमार्केट करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब ये इस तरह एक बाउंड्री को दिखाने के लिए, जो शॉर्ट हैंड शॉर्ट सॉरी फ्री हैंड लाइंस होती है, या शॉर्ट ब्रेक लाइंस भी उसे कहते हैं। दूसरी तरफ पे हमारे पास आ जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइंस। तो लॉन्ग ब्रेक लाइंस कंटिन्यूअस ज़िगज़ैग यानी स्ट्रेट, ये इस तरह होती हैं, ये आगे गई हैं फिर इस तरह, फिर आगे गई हैं फिर इस तरह, फिर आगे गई हैं, तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइंस है। उसके बाद आ जाता है डैश लाइंस या डॉटेड लाइंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक रूम है और इस रूम को के थ्री कॉर्नर्स तो मेरी नज़र में है, लेकिन इस लगे कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो ये जो कॉर्नर हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इनको मैं ड्रा करता हूँ और शो करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ लाइंस। तो इनको कहा जाता है डैश लाइन या डॉटेड लाइंस। मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके आपको कॉर्नर नहीं आ रहे हैं नज़र,
और या वो सर्कल्स में नज़र नहीं आ रहे और आप उसको शो करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, तो उन लाइंस को हम डैश्ड करते हैं या डॉट करते हैं, तो उनको कहा जाता है डैश्ड या डॉटेड लाइंस। और दूसरा हमारे पास है कटिंग प्लेन लाइंस। तो कटिंग प्लेन लाइंस ये है कि किसी भी प्लेन को, जब फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका प्लेन कहीं पे यहीं पे आ रहा है, ठीक है, ये जिधर जिससे ये कट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट कट हो रहा है इस प्लेन के अलॉन्ग, तो जिधर से ये कट हो रहा है ये प्लेन के अलॉन्ग, ये लाइन मेरे पास कहलाती है। इसके अलॉन्ग जब मैं लाइन लगाता हूँ इधर और इधर, मैं थोड़ा सा बोल्ड करूँगा, और बीच में ये बोल्ड नहीं है, ये तिन है, तो ये और ये दोनों अतराफ इसके बोल्ड हैं, तो इस किस्म के लाइंस को हम फिर कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। सेंटर लाइंस क्या होती हैं कि वो लाइन जो सेंटर से पास होती है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल से सेंटर लाइंस पास हो रही हैं, तो इनको हम सेंटर लाइंस बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है लोकस लाइन। तो लोकस लाइन यहाँ पे पेंडुलम को मैं ले लेता हूँ, इस पेंडुलम के टू एंड फ्रो मोशन को जब एक लाइन से शुरू किया जाए ये, तो इस किस्म की लाइन को हम लोकस लाइन बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइंस। उम्मीद है कि यहाँ तक की आपको समझ आई होगी। इन सारी लाइंस की एप्लीकेशन है हर जगह पे ड्राइंग में, अपनी अपनी जगह पे। तो ये लाइंस हम यूज़ करेंगे, कहीं पे थिन लाइंस यूज़ होंगी, तो कहीं पे थिक लाइंस यूज़ होंगी, तो कहीं पे डॉटेड लाइंस, डैश लाइंस, कटिंग प्लेन लाइंस। तो ये सारी लाइंस जो है, टाइप जो है, ये थोड़ा सा आप देख लें कि किस तरह हम इनको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।